सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आज सलाम है उन वीरों को जिनके कारण ये दिन आता है, वो माँ भी खुश नसीब होती है, बलिदान जिनके बच्चों का देश के काम आता है। तैरना है तो समुन्दरों में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है, प्यार करना है तो वतन से करो। इन बेवफा लोगों में क्या रखा है, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीड़ा लेकर हाथ में सरस्वती हो आपके साथ में, मिले माँ का आशीर्वाद हर दिन, मुबारक हो आपको सरस्वती पूजा का ये दिन। आज का पंचांग 26 जनवरी 2023 दिन गुरुवार, मांग मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:28 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्र शाम 6:56 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:52 से 3:13 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:10 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। आप सभी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार मांग मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। मुख्य रूप से ये पर्व ज्ञान विद्या संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। इस बार बसंत पंचमी की तिथि शुरुआत 25 जनवरी 2023 को 25 जनवरी 2023 को दोपहर 12:34 से शुरू होकर 26 जनवरी सुबह 10:28 तक रहेगी। ऐसे में 26 जनवरी यानी आज बसंत पंचमी की उद्या तिथि होगी, इसीलिए आज ये त्योहार मनाया जाएगा। वहीं पूजा का मुहूर्त सुबह 7:07 से 10:28 तक रहेगा। इस दिन सुबह उठकर स्नान कर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग माँ सरस्वती को पसंद है और विधि विधान के साथ माँ सरस्वती की पूजा करें। मिथुन राशि 26 जनवरी 2023 दिन गुरुवार, आपका पति या साथी आपकी किसी महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार कर रहा है। सोच समझकर और बुद्धिमानी से काम करें। धन इस समय आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। आपको कानूनी मामले या किसी व्यापारिक बैठक के लिए यात्रा करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अपने काम से प्राप्त प्रतिष्ठा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। अपने भविष्य की पहले से बनाई योजना आपको आने वाले समय में फायदा दिलाएगी। प्रसिद्धि धन और महिमा की प्राप्ति होगी। आज बेहतरीन काम करना कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी है और आपके कार्य में निपुणता यह दर्शाती है कि आप सही रास्ते पर हैं। जमीन जायदाद संबंधित मामला अटका हुआ है तो किसी खास इंसान की मदद से समाधान मिलने की संभावना है। किसी खास इंसान से प्रभावित होने से आपके विचारों में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। आपका अकेलापन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। जिस व्यक्ति का साथ प्राप्त हो रहा है उनके साथ चर्चा करके अपनी तकलीफों का हल ढूंढने की कोशिश करें। इस व्यक्ति पर पूरी निर्भरता ना बने इस बात का ध्यान रखें। करियर संबंधित अवसर फिर से प्राप्त करने के लिए प्रयत्न जारी रखें। रिलेशनशिप से संबंधित नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखें। सावधानियां, बनते कामों में दिक्कतें आ सकती है जिससे मन दुखी रहेगा। तनाव को खुद पर हावी ना होने दें। पड़ोसियों के साथ संबंधों में खटास ना आने दें। व्हीकल या मशीनरी के इस्तेमाल में सावधानी रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। यह समय नए वातावरण का मजा लेने का है जहां आप अपने अनुभव से योजनाओं को नया रूप दे सकते हैं। परिवार संघर्ष से निपटने के लिए आज का दिन उपयुक्त है। अपने पार्टनर पर ध्यान दें और उसके साथ भविष्य की योजनाएं बनाएं। विवाह की भी संभावना है। अच्छा, आपको जो सफलता मिलेगी उसे आप भौतिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे और इससे आपके परिवार का भविष्य भी सुरक्षित होगा। आपका जीवन साथी आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा। आशा पर काम में जान लगा दें, इससे आपका कल बेहतर बनेगा। याद रखें, प्रेम जीवन दोस्तों के विश्वास प्रेम और मेलजोल से आगे बढ़ता है।
बात करते हैं करियर की। आज कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, अपने अनुभव का प्रयोग करें। इसके साथ ही आत्मनिरीक्षण के लिए भी यह सही समय है। आज सार्वजनिक दुश्मन या राजनीतिक विपक्षी दोनों आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान रहे, सोच विचार के बिना तुरंत कार्यवाही करने के नतीजे सकारात्मक नहीं होंगे। अपने कार्यों से कमाई प्रतिष्ठा आपको भौतिक सुरक्षा प्रदान करेगी। इस समय आपने द्वारा बनाए गए विस्तृत योजनाएं आपको फायदा पहुंचा सकती है। यश और प्रसिद्धि मिलने का भी योग है। कल की तैयारी करने का सबसे अच्छा रास्ता है आज मेहनत करना। आपके योग्यता कौशल यह दर्शाते हैं कि आप हर कार्य सोच समझ कर करते हैं। बात करते हैं सेहत की। खांसी जुकाम जैसे हल्के फुल्के दिक्कत रह सकती है, घरेलू इलाज से ही स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। आज का उपाय, गरीब बच्चों को आज दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।